की जो मांगे हैं लंबे समय से लंबी थे, ठेकेदारों की मनमानी के साथ वेतन समझौता सहित कई ऐसी मांगे जिनको लेकर के ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं इंटक के बैनर तले। भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों को 21,000 राजरा माइंस की तरह वेतन मिलना चाहिए। 29 और 30 जनवरी को भिलाई इस्पात संयंत्र में हड़ताल की घोषणा करेंगे, उसमें रेगुलर एम्प्लॉय और ठेका मजदूर दोनों शामिल होगा। बीएसपी कर्मियों के बाद अब ठेका श्रमिक भी आंदोलन की राह पर निकल गए हैं और आज सेक्टर 1 मेन गेट के सामने मुर्गा चौक पर ठेका श्रमिक भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक घंटे का ये प्रदर्शन है और 9 बजे के बाद वे अपने काम पर लौट जाएंगे। वो उनकी जो मांगे हैं लंबे समय से लंबी थे, ठेकेदारों की मनमानी के साथ वेतन समझौता सहित कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं इंटक के बैनर तले। ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ है इस प्रदर्शन में, आइए जानते हैं इंटक के जो यूनियन लीडर है उनसे। हमारे साथ इंटक के लीडर है, भैया क्या कुछ मांगों को लेकर धरने में है आप लोग आज? भिलाई इस्पात संयंत्र में आज ठेका मजदूर नियमित कर्मचारी के भांति स्थायी प्रकृति के कार्य का जाप कर रहा है। भिलाई स्टील प्लांट का 60% कार्य ठेका श्रमिकों द्वारा किया जाता है। उत्पादन से लेकर के उत्पादकता और लाभार्जन में ठेका श्रमिकों का पूरा योगदान है। हमारी मांग है कि जिस तरीके से ठेका श्रमिकों का भिलाई इस्पात संयंत्र और सेल में योगदान है, उसी को देखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों को 21,000 राजरा माइंस की तरह वेतन मिलना चाहिए और जो यहाँ ठेकेदारों द्वारा पैसा वापस ले लिया जाता है वो बंद किया जाए। ठेका श्रमिकों को भी सोशल सिक्योरिटी के तहत नाइट शिफ्ट अलाउंस, साइकिल अलाउंस, आवाज भत्ता, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ठेका श्रमिकों का भी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह दुर्घटना बीमा होना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है कि हम प्रबंधन सेल चेयरमैन को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर सेल चेयरमैन इस पर सकारात्मक विचार नहीं किया तो हम 29 और 30 जनवरी को भिलाई इस्पात संयंत्र में हड़ताल की घोषणा करेंगे, उसमें रेगुलर एम्प्लॉय और ठेका मजदूर दोनों शामिल होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर रेगुलर और ठेका मजदूर दोनों साथ में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं उसको लेकर के आप देखिए काफी सरगर्मी तेज हो चुकी है। और बता दूं कि कल बीएसपी कर्मी फिर एक बार अलग अलग जो प्लांट के अलग अलग गेट है वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ठेका मजदूर भी अब उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।